आज हम लोग तीन टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला सिद्धि के रहस्य के बारे में जानेंगे कि सिद्धि के ऐसे क्या रहस्य हैं जो आप तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आप साधनाएं कर रहे हो, सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, तो इनके रहस्य क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं, आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके आसपास कोई शक्ति, कोई सिद्धि, कोई एनर्जी जो आप जाप करके या फिर भाव से पिछले जन्म से आपसे कनेक्टेड है या नहीं। तीसरी चीज, क्या अगर नहीं है तो सिद्धि एक्चुअल में प्राप्त होती कैसे है? ऐसा क्या हम लोग करते हैं या ऐसा क्या आप लोग करते हो कि सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है? क्या इतना आसान होता है? इन सारी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं और बातें करने वाले हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर। शुरू करते हैं। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। हम सबके प्यारे से छोटे से चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, हर बातों पर एक एक करके हम लोग आने वाले हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा टॉपिक हमने उठाया है, उस टॉपिक को हम क्लियर कर देते हैं और बात कर लेते हैं सिद्धि के रहस्यों के बारे में। देखो सिद्धि जो होती है ना, इसके ऊपर मैंने पार्ट वन बना दिया है। उस पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं डाल दूंगा, आप डेफिनेटली जाके देखिए। दूसरी चीज जो मुझे आपको आज सिद्धियों के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको सिद्धियों के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि आप साधनाएं कर रहे हो तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ चेकिंग की है और सिद्धि होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही थी। क्यों? सिद्धि तो आप लोग करते हो अपनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सिद्धि कैसे परेशान कर रही है आपको? ऐसा कैसे, आपने ऐसा क्या कर दिया जो सिद्धि आपको परेशान कर रही है? देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। वो एक फीमेल थी एंड फिलहाल वो कृष्ण जी की भक्ति कर रही थी, लेकिन उनके पास सिद्धि माता देवी की थी, यानी माँ काली की थी। अब हुआ क्या कि पहले वो माँ में बहुत विश्वास रखती थी और उन्होंने माँ की बहुत भक्ति की, माँ के लिए नवरात्रों के व्रत रखे, माँ के लिए मंत्र जाप किए, माँ के लिए साधनाएं की। साधना मतलब उन्हें साधना नहीं पता था, एक तरीके से वो साधना ही कर रही थी, क्योंकि नवरात्रों पे आप बैठकर जाप कर रहे हो, संकल्प लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, दुर्गा चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर रहे हो, पठन कर रहे हो, तो सिद्धि तो आपको प्राप्त होगी ही। अब हुआ ये कि उन्होंने माँ की भक्ति एकदम से ही छोड़ दी और उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति की शुरुआत की। नाउ इसमें कोई भी गलती नहीं है, गलती सिर्फ इतनी सी है कि जो माँ की सिद्धि उस वक्त जागृत थी वो थोड़ा सा परेशान हो गई कि अब ये मुझसे बात नहीं करती है, मैंने इसे सब कुछ दिया था लेकिन ये अब मुझसे बात नहीं करती है और ना ये मुझसे कुछ पूछती है। अब जब मैंने उनकी स्कैनिंग की तो मैंने देखा कि माता काली की सिद्धि तो उनके पास खड़ी है और वो ऐसा कहती थी कि मुझे हैवी बहुत फील होता है, लेजीनेस फील होता है, जो डेवलपमेंट मेरी पहले हो रही थी फिलहाल वो नहीं हो रही है। कारण यही रहा उनका कि माता काली की सिद्धि जो आपने जागृत की थी, माता काली की ऊर्जा जो आपने जागृत की थी, ठीक है, वो ऊर्जा आपके पास अब आ गई। नाउ अब आपके पास आ तो गई लेकिन अब आप उन्हें पूछ नहीं रहे हो। आप ऐसे बात समझिए कि आपके घर में एक बच्चा आया है और आप उस बच्चे से अगर बात नहीं करोगे तो वो बच्चा कैसे आपको परेशान करेगा, आपको पकड़ेगा, खींचेगा, आपको बार बार बुलाएगा, शैतानी करेगा कि आपका ध्यान उसकी तरफ जाए। ऐसे ही माँ कर रही थी। अब माँ सब कुछ कर रही थी उसे बताने के लिए कि मैं हूं तेरे साथ, तू मुझसे पूछ नहीं रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरी पूजा नहीं कर रही है। माँ को इससे कोई परेशानी नहीं है कि आप किसी और भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान सारे एक हैं, आप सभी भगवान की पूजा करें, लेकिन जिनके आपने सिद्धि जागृत की है उनके मंत्र जाप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा ये बात आपको समझाता हूं कि मंत्र जाप जो आप करते हो, कभी कर लिया है तो आप छोड़िए मत। अगर सिद्धि गलती से बन गई है या आपने सिद्धि के लिए जाप किया है तो फिर अब आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो भगवान से जब एक बार आपका लगाव जुड़ गया है तो वो भी आपके माता पिता की तरह आपके अंग संग रहते हैं, उनकी सिद्धि आपके अंग संग रहती है और आपको उनसे बात करनी होती है। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे, उनका जाप नहीं करोगे, उनके लिए बैठोगे नहीं, उनके लिए ध्यान नहीं लगाओगे, भाव से उनके लिए कुछ नहीं करोगे, तो वो भी परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे कि मेरा बेटा मुझसे पूछ नहीं रहा है, क्योंकि आपका लगाव जुड़ गया है ना उनसे। अब एक बात ये भी है कि सिद्धियां करने से भैया हमें कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसके पीछे के लॉजिक और साइंस क्या समझाता हूं। आप सब जानते हो कि मेरी वीडियो देख रहे हो तो लॉजिक से रिलेटेड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सिंपल सी बात मैं समझाता हूं। सपोज मैं हूं, मैंने माँ आदिशक्ति की बहुत साधना की है और मैं माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं वैसे अपना ही लिया है तो मैं तो माँ आदिशक्ति का ही हूं। तो अब हुआ ये कि माँ मेरे साथ बचपन से, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 साल से मेरे साथ है। अब मैं हो गया हूँ 70 का, 80 का हो गया हूँ, अप्रॉक्स एक ले लेते हैं,
और माँ इतने सालों तक मेरे साथ खड़ी रही है, और मैं जब भी माँ से बात करता था या तो जैसे मेरा ना माँ से लगाव हो गया है, वैसे माँ की सिद्धि का मुझसे लगाव हो जाता है। अब क्या होता है, सपोज मेरे साथ माँ का लगाव है ना बहुत, अब जैसे आप खुद सोचो कि आप अपने घर में आपका भाई जैसे बॉर्न होता है, या आप ये समझ लो कि आप कहीं से लेकर भी आते हैं किसी बच्चे को अपने घर में, ठीक है, सपोज आपने गोद लिया है ना किसी ऑर्फनेज से, किसी नाथ आश्रम से, अब वो 20 साल तक कोई इंसान आपके साथ रहता है तो आपका लगाव नहीं हो जाता है, लगाव हो जाता है ना, वैसे लगाव एक सिद्धि का और उसके पुत्र यानी कि जिसने वो सिद्धि प्राप्त की है उनके साथ उसका लगाव होता है। मेरा तो माँ के साथ लगाव है ही, क्योंकि मैं माँ की मूर्ति को माँ समझ के उनसे लगाव जोड़ रहा हूँ, तो वो मेरे साथ जो खड़ी है वो उसे मूर्ति का अपना मानती है, तो हमका मेरा और उस सिद्धि का लगाव जुड़ जाता है। सिर्फ मेरा ही भाव माँ की तरफ नहीं होगा, माँ का भी प्रेम मेरी तरफ होगा। मैं सिर्फ मन में सोचूंगा, जब प्रेम बन जाएगा ना आपस में, सपोज अभी अभी मेरी सिद्धि बनी है तो अभी अभी तो प्रेम नहीं जुड़ेगा, 1 साल में समय लगता है प्रेम जुड़ने में, भाव जुड़ने में, इसलिए शुरुआत में सिद्धि करने के बाद आपको दिक्कत ही होती है, क्योंकि माँ आपकी परीक्षा लेती है, माँ देखती है क्या ये मुझसे प्यार करता भी है, तो वो चेक करती है, और जिस दिन आपका और उस माँ का लगाव जुड़ गया उस दिन आप सिर्फ बैठे हो और सिर्फ मन में ही बोलोगे कि हे माँ मुझे ना मन कर रहा है कि मुझे कुछ ऐसी चीज खरीदनी चाहिए, नेक्स्ट दिन आप सोचोगे आपका सारा अरेंजमेंट हो गया और वो चीज आपके घर आ गई। ये है माँ की कृपा, ये है उस सिद्धि का कमाल जो आपके साथ थी। अब यही उस लेडी जो मैंने एग्जांपल आपको शुरुआत में दिया उनके साथ था, क्योंकि देखो लोग ऑरा स्कैनिंग कराते हैं, जब ऑरा स्कैनिंग कराते हैं तो वो सोचकर कभी कभार आते हैं कि उनके साथ नेगेटिविटी होगी और भैया बताएंगे मेरे साथ नेगेटिविटी है, और सेम उस लेडी को भी बहुत जगह पे नेगेटिविटी बताई गई, लेकिन जब नेगेटिविटी थी ही नहीं तो मैं क्यों बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने ये बात बोली कि आपको कोई नेगेटिविटी नहीं है, ना आपके घर में ना आपके आसपास। हाँ माँ जरूर है, और ये खेले हुए खेल भी माँ के हैं, क्योंकि माँ ऐसा कह रही है कि अब आप उनसे पूछते नहीं हो, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कैसे कैसे हुआ क्या क्या हुआ, तो उन्होंने अब रियलाइज किया कि अच्छा तभी मुझे कभी कभी यार माँ दिखती थी, एक लेडी दिखती थी और मुझे बोलती थी कि तू मेरे घर आ मुझसे बात कर, और उन्होंने रियलाइज किया कि यस जब से मैंने माँ का नवरात्रा ये सारी चीजें छोड़ी है, माँ से बात करनी छोड़ी है, माँ के मंत्र जाप करने छोड़े, तभी से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि देखो कृष्ण भगवान की आप साथ जुड़े तो कृष्ण भगवान की सिद्धि प्राप्त होने में भी समय लगेगा आपको, कृष्ण भगवान वैसे तो हनुमान जी की मिलेंगी, तो कृष्ण भगवान से भाव जुड़ने में समय लगेगा, है ना। एंड अब जो पीछे माँ रह गई, अब माँ हो गई नाराज, माँ से ना नाराज नहीं होती, माँ बस परेशान हो जाती है कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, तो माँ बस इसीलिए ऐसे ऐसे चीजें करती थी जिससे आप समझो। माँ कहती है कि आप जिसकी मर्जी पूजा करिए, कृष्ण भगवान नारायण ही तो वो खुद हैं, शिव की प्रिय है वो खुद है ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ कहती है मुझसे तो पूछ लो, मैं तेरे साथ हूं अभी, मैं कहाँ जाऊं, अब तो मैं आ गई हूं, तो माँ आपको छोड़ना भी नहीं चाहती और माँ चाहती है कि आप उनसे बात भी करो, ऐसे होता है। तो सिद्धि आप करते हो, लेकिन सिद्धि के पीछे की साइंस जरूरी है। अब मैं आपको उस वाली साइंस समझा रहा था कि कैसे आपकी मुक्ति नहीं होती है। अब सपोज आपके शरीर छोड़ने का समय आ गया, जब आप शरीर से बाहर निकले तो आपको सुंदर सी माँ दिखी, माँ आपको बोलेंगी कि बेटा मेरे साथ रह, नहीं जाना तुझे। अब देखो जो हमारे साथ सिद्धि है ना, ये माँ की सिद्धि है, लेकिन माँ आपको कहती है कि मुक्ति मत ले, तू मेरे साथ रह, तो आपको वो माँ रोकती है, वो कहती है मेरे साथ रह, हम धरती पर लोगों की मदद करेंगे, तो आप भी एक सिद्धि बन जाते हो, लोगों की हेल्प करते हो, ठीक है, बहुत लोगों की आप हेल्प करते हो एंड आगे जाते हो, लोक कल्याण करते हो, ये एक अच्छा प्रोसेस है, लेकिन आपको मुक्ति मिली क्या? नहीं। तो ये कुछ होता है कि आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए सिद्धियां इसलिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्धियां आपको लास्ट में मोहवश, क्योंकि आपका मोह जुड़ गया उनसे और उनका मोह आपसे जुड़ गया, तो आप अलग नहीं हो पाते, स्पेशली सिद्धि उसका मोह बहुत जुड़ जाता है आपसे। नाउ होगा क्या इस केस में, आप कैसे सिद्धि भी करो और मोक्ष भी प्राप्त हो, इसके लिए आप प्रार्थना करें, अभी से ही कभी ना कभी आपको याद आए तो प्रार्थना करा करो कि हे माँ भगवती मेरे देह त्यागने के बाद, मेरे शरीर त्यागने के बाद मेरे को आप मुक्ति का रास्ता दिखाओ, मेरी मुक्ति में बाधा ना बनना। ऐसा जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी सिद्धि अभी से क्लियर होगी कि जब ये शरीर त्यागेगा, जब वो समय आएगा तब ये जाएगा। होता है ना यार कि हमें पता है एक ना एक दिन किसी इंसान ने जाना है, तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो रहे होते हैं, जब इंसान बूढ़ा हो रहा होता है, जैसे 110 साल का कोई हो गया, तो हमें पता है यार ये आज कल परसों कभी भी जा सकता है, एक मिनट बाद भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, तो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तो एकदम से झटका नहीं लगता है। अब एकदम से झटका लगता है जब, तब बहुत शॉक होता है,
दोनों में अंतर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी पड़ती है। अब सिद्धि के अंश तत्व में क्या फर्क है, ये सब मैंने पार्ट वन में एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ना। अब काफी लोग तो मुझसे मेडिटेशन क्लासेस लेते ही हैं, तो मेडिटेशन क्लासेस में सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं है ना, कुंडलिनी के बारे में, दृष्टि के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, फायर वाटर बहुत सारी चीजों के बारे में समझते हैं, साधना कैसे की जाती है समझते हैं। अब बात करें आगे कि आपके आसपास कुछ सिद्धि है, इसके लक्षण क्या होते हैं भाई, ऐसे क्या लक्षण है जो आपको दिखाई देंगे आपके आसपास अगर सिद्धि होगी तो। मैं फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले तो बॉडी में कहीं ना कहीं फड़कन सी महसूस होना, स्वप्न में बार बार भगवान के दर्शन होना, ठीक है। दूसरी चीज, आंखें बंद जब आप ध्यान में बैठ रहे हो तो आपको ऐसा लगना है आपके आसपास कोई खड़ा है, आपको कोई देख रहा है, आपके पीछे कोई खड़ा है, बार बार ऐसी आभूति होना। अगर आप जाप ध्यान करते हो और ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिविटी है, ठीक है। अगर आप ज्यादा जाप ध्यान नहीं करते फिर भी अनुभव हो रहा है, या तो पिछले जन्म से कोई पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी है या फिर ये नेगेटिविटी भी हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज जो होती है, सुबह जल्दी आंख खुल जाना, ये कुछ लोगों के साथ होता है, या फिर रात को इतनी आसानी से नींद ना आना, बहुत देर बाद नींद आना, ये भी बहुत सारी सिद्धि होने का कारण है। रात को सोने से पहले कुछ झटके लगना, ये भी सिद्धियों का एक लक्षण होता है। सिद्धि जब ताकतवर होती है तो आपको बहुत झटके लगते हैं, ठीक है। ये नेगेटिविटी के केस में भी होता है, तो प्लीज देख लो। देखो एस्ट्रल बॉडी दोनों है, भगवान की भी जो सिद्धि है और नेगेटिविटी भी, दोनों एस्ट्रल बॉडीज है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो उसके लिए तो आपकी लाइफ या आपको हालत आपको बता देगी कि क्या चीज है, बाकी तो आप और स्कैनिंग मुझसे करवाई सकते हैं। नंबर मेरा दिया गया है, आप स्कैनिंग करवाना चाहते हो, मेडिटेशन क्लासेस पे जुड़ना चाहते हो, नंबर दिया गया है ऊपर, डेफिनेटली टेक्स्ट कर सकते हो। अब सिद्धि प्राप्त कैसे होती है भाई, कैसे सिद्धि प्राप्त होती है? सिद्धि प्राप्त होती है जाप से, ध्यान से, साधना से, सेवा करने से, बार बार मंदिर जाने से, ब्रह्मचर्य का पालन करके, पूजा पाठ करने से आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन सिद्धि से संपर्क जोड़ने के लिए आपकी कुंडलिनी एटलीस्ट 3 से 4 चक्र तक जागृत होनी चाहिए, एटलीस्ट मणिपुर तक होनी चाहिए। वैसे तो हृदय चक्र तक हो तो बढ़िया है, क्योंकि हृदय चक्र पर आने से भाव जुड़ता है, ठीक है। ये कुछ रहस्य, कुछ बातें, कुछ चीजें मैंने आपको बताई। बाकी नवरात्रे चल रहे हैं, किसी भी नवरात्रों से साधना करो, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रों में जितना मंत्र जाप करोगे उसका 100 गुना आपको फल मिलेगा, तो जाप करिए अच्छे से, ठीक है। बाकी आप मुझसे बात करना चाहते हो, मेरा नंबर दिया गया है, आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने हाउस की स्कैनिंग, अपनी स्कैनिंग करा सकते हैं। जय माता दी आप सभी को, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड बाय, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।